भक्ति मार्ग में आशा ही जीवन को धारण कराता है, जो भक्ति की स्थिति है। श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के तरंग का वर्णन करते हैं कि भक्ति जब किसी जीव के हृदय में प्रकट होती है तो क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्यता आशा बंद समुद्र कंठा नाम गाने सदा, ये स्थिति आ जाती है। हम लोग संसार के चक्कर में पड़ करके अशांत हो गए और उस अशांति के परिस्थिति में भी हमेशा शांत रहना एक भक्ति का लक्षण है। मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी जो साधकों को प्राप्त होता है उसमें जब सम अवस्था प्राप्त करता है उसको महत्पुरुष लोग शांत स्थिति कहते हैं। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। कोई यदि गाली दे दे तो उसमें अशांत न हो, वह शांत बना रहे। वह स्थिति तभी साधक को आती है जब एक क्षण भी भगवत विरह भगवत भजन के बिना नहीं बिताता है। महात्मा लोग एक क्षण भी खाली नहीं बिताते, आचार्य करते एक क्षण भी अव्यर्थ काल जो समय का महत्व नहीं समझा वो भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता और जो कण का महत्व नहीं समझता वो धन प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक क्षण भी बेकार नहीं महात्मा लोग बिताते अव्यर्थ काल। और संसार के वस्तुओं से स्वाभाविक उनको वैराग्य होता है। वैराग्य तभी होगा जब हम सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखेंगे किसी चीज से, ऐसी स्थिति आती है। और इसके बाद आता है आशा बंद। आशा बंद का अर्थ होता है कि बस जरूर प्रभु कृपा करेंगे, हमारी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाएगी, प्रिया जी जरूर अवश्य हमें दर्शन देंगी, ऐसी जब तक निष्ठा नहीं बनी रहेगी ये साधक के हृदय में हमेशा बना रहा। रघुनाथ दास गोस्वामी अब प्रिया जी के विरह में अपने प्राण को धारण नहीं करना चाहते और कहते हैं कि हे कुंड आपने प्रिया जी का दर्शन नहीं कराए, हे विशाखे तुम भी हमें दर्शन नहीं कराए और रसिक शेखर नंद कुमार भी हमको प्रिया जी का दर्शन नहीं कराए, तो अब शरीर रखकर कुछ करें, अब इस शरीर से क्या मतलब। इस श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यही कहते हैं, आशा भरई रमृत सिंधु मयई कथंचित कालो मजाति गमितः किल सांप्रतम ही। हे बरोरु, हे स्वामिनी जी, बर उरु सुंदर कमर वाले, मया संप्राप्तम मैं अमृत सिंधु पाने की इच्छा से हमको प्रिया जी का दर्शन प्राप्त होगा और प्रिया जी हमें सेवा सुख प्रदान करेंगी, इस आशा से मैं इस शरीर को धारण किया हूं। अधुना संप्राप्तम अमृत सिंधु मजई आशा भरे, इस संसार का सबसे बड़ा सुख है प्रिय जी की सेवा प्राप्त कर लेना, इससे बढ़कर सुख कुछ नहीं। तो इसी आशा में अपने प्राण को मैं आज तक धारण की हूं। प्रत्याशातिशय, हमारा आशा केवल यही है, एक क्षण भी मैं जीवित रहती हूँ इसका केवल एक ही आशा है कि प्रिया जी हमें सेवा प्रदान करें। कथंचित कथमपि कष्ट सूयया किल, फिलहाल हमको एक एक क्षण जो बीत रहा है, एक एक काल हमारा ये समय बीत रहा है, ये हमारे लिए बहुत भयानक। यदि हे प्यारी जी, हे स्वामिनी जी, यदि आप कृपा हम पर न करें तो आप ही बताइए, त्वम चेत कृपा मयि न विधास्यसि,
यदि आप हम पर कृपा नहीं करती हो तो किम में प्राण है, मैं अब जीवन धारण करके क्या करूं, किस लिए मैं अब जीवित रहूंगी। अब्रजे में च इस ब्रजवास से क्या फायदा, हम ब्रजवास किस लिए कर रहे हैं, हमको यदि प्रिया जी की सेवा प्राप्त न हो तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रजे न किम, इस ब्रजवास से क्या मतलब। यहां तक कि बकारिणा श्री कृष्ण से हमें क्या मतलब, हमको कृष्ण का भजन नहीं करना है। राधा रसोदा निधि में कहते हैं यदि कोई कृष्ण का भजन करता है विष्णु का करता है तो करे भाई, सुख संकादि इत्यादि करते हैं करे, हमें उनको कोई मतलब नहीं, हम तो प्रिया जी के चरण कमल के अतिरिक्त उस कृष्ण का भी दर्शन करना नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए। कहते हैं किम्मे प्राणे ब्रजे न च बकारिणा अपि कृष्णे नापि, हमको कृष्ण से भी कोई मतलब नहीं। स्वामिनी की उसी स्थिति में इनका महान भयंकर दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हृदय की आलोक उस समय लगता है प्यारी जी प्रकट होकर के कहती हैं कि अरे तुलसी तुम क्यों इतना विचलन हो रही, तुम तो हमारी किंकरी हो, हम तो तुझे अवश्य दर्शन देंगे, तुम अपने शरीर को क्यों नष्ट करना चाहती हो, तुम अवश्य मुझे देखोगे, देखिए अवश्य यही आशा है। ऐसा साधक भजन में आखिर क्यों लगेगा जब तक प्रिया जी कुछ संकेत न दे, अपना दर्शन न दे, अपनी सेवा की अभिलाष न दे, क्यों वो शरीर धारण करेगा। देखो यदि तुम वास्तव में मेरी सेवा करना चाहती है तो थोड़ा विरह और बढ़ा। एक महात्मा के पास एक साधक गया और कहा कि हमको आप भगवान का दर्शन करा देंगे, तो अवश्य करा देंगे, तुम करना चाहता है, हाँ करना चाहता है, तो उसके गर्दन को पकड़ करके और जल में डुबाए और डुबाया, ओ मरा 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 लगा जाने लगा, तब एक क्षण के लिए उतर कहे कि जब तक ऐसी उत्कंठा नहीं होगी तब तक भगवान दर्शन देने वाले। हम लोग सोचते हैं कि माल मारते रहे खाते रहे मस्त रहे और ठाकुर जी का दर्शन हुए, तो यह असंभव चीज है। इतना भयानक विरहाग्नि में जल रहे हैं, यहाँ तक कि प्राण त्यागने के लिए उतारू है, फिर भी प्रिया जी कहती हैं थोड़ा विरहाग्नि और बढ़ा। अब देखिए हम लोगों का विरह किस वस्तु है, प्रिया जी का किसी को तो है नहीं, यदि विरह हो और प्रिया जी न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, चाह ही प्रकट करना है, ये असह्य वेदना उनको हो रही है। स्वामी मानो कह रही है तो अब तक कैसे बची हुई है, तो कहते हैं बस तुम्हारी आशा से, हमें अवश्य प्रिया जी कृपा करेगी, उनको दर्शन देंगे। मैं इसी से अपना जीवन धारण की हूँ, किसी प्रकार अति से अति कष्ट से हम अपने समय को काट रहे हैं, केवल आशा से, ये आशा भरे रमृत सिंधु मय कथन जी, ये आशा है। हम लोग संसार में भी जीवित हैं तो केवल आशा से, जीने की आशा न रहे तो मर जाए, हमारी जीने की इच्छा है वही जीवन धारण कर, हमको प्रिया जी का दर्शन करना है, इसी आशा से मैं अपने शरीर को धारण कर सकती हूँ, नहीं तो हमें कुछ मतलब नहीं। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आशा बिंदु विरह तप्त प्राण में शीतलता का संचार किए रहता है। बस भयानक से भयानक कष्ट को आदमी इसीलिए सहन करता है कि आज नहीं कल मैं सुखी हो जाऊंगा। संसार में भी लोग इसी तरह भयानक से भयानक कष्ट सह रहे हैं, इसलिए आज नहीं कल हम सुखी हो जाए। तो आशा बिंदु क्षिप्त मिदुर पैत्य अंतरे हंत शैत्यम, यह विरह आशा बिंदु ही विरह तप्त प्राणों की रक्षा कर रहा है। यदि आपको आपकी प्राप्ति की इच्छा न हो तभी तो मैं कभी मर गई होती। वास्तव में भगवत प्राप्ति की आशा है, यदि आशा है इसी को आचार्य लोग आशा बंद करते हैं, अवश्य रक्षित
कृष्ण विश्वास पर हमें विश्वास है प्रभु। भक्त लोग क्यों आखिर जीवन धारण करते हैं, जिनको श्री कृष्ण से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, तो उनकी आशा बनी हुई है हम भगवान दर्शन देंगे। यहाँ तक कि आचार्य चरण प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि जत लक्ष्मी सुकनार दाधि परमा सहजा विरागुस्तवई प्राप्तं तत कृपयै वही ब्रजपिताम तल्पं किशोरी गढ़ई। हे नवकुंज नागरी प्रियाजी, हे राधे, लक्ष्मी सुकनार दाधि परम आश्चर्य अनुराग के साथ श्याम सुंदर की आराधना करते हैं। तत्त किशोरी गढ़ई अर्थात इन किशोरी ब्रज गोपियां भी जिन प्रिया जी की प्राप्ति के लिए अपने एक एक क्षण को हमें कैंकर्य प्राप्त हो, प्रिया जी की सेवा प्राप्त हो, इसीलिए ब्रज सुंदरियां जीवन धारण की हैं। धृता से मई कृपा दृष्टि कदा दास्यसि, हे प्रिया जी हमें कब आप वह शुभ सुख देंगी, आशा इस आशा में पड़ी हुई। साधक को स्मरण में, स्वप्न में, स्फुरण में प्रिया जी के आशा बनी रहती है। राधा दास की साधना से हम राधा रानी की सेवा प्राप्त कर लेंगे, इसी आशा से आसन बिठा करके महात्मा लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, अपने मंत्र का स्मरण करते हैं कि हे ब्रज नागरी, हे प्रिया जी आप हमें अपनी कृपा देंगी, अपनी सेवा देंगी। तत् कैंकर्य मनुक्षणा तद्भुत रसः प्राप्तुं धृतासे मयि श्री राधे नवकुंज नागरी कृपा दृष्टिं कदा दास्यसि। तत् कैंकर्य मनुक्षणा भूत रसः, जो ब्रज रस रसिक संत जन है वे ब्रज के किसी निकुंज में बैठ करके केवल एक ही आशा से पड़े हुए हैं कि हमको प्रिया जी की तत्कैंकर्य मनुक्षणात् अद्भुत रसम, अद्भुत रस है जो प्रिया जी की सुख की, प्रिया जी की सेवा की। प्राप्तुं धृतासे मयि, उनको प्राप्त करने की इच्छा से तत्कैंकर्य व धृतासे मयि कृपा दृष्टिं कदा दास्यसि, आप हमको कृपा कब देंगे। यह सोच करके श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रिया जी की सेवा की याचना बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग करते हैं, कहाँ तक कहें कि यहाँ ब्रज कुमारियाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में लिखा गया है कि हजारों हजारों वर्ष तक, युग तक, कल्प तक ऋषि मुनि लोग साधना करते हैं कि हमको ब्रजवास मिले, और उससे विशेष हमको ब्रज की जो मणिमणि मणिमयी श्री राधा रानी है उनकी सेवा प्राप्त हो, उन लोगों को भी तो प्राप्त नहीं होता है। वे लोग केवल साधना करते हैं लेकिन वो साधना का फल प्रिया जी की चरण कमल प्राप्त हो जाए असंभव चीज है, नहीं प्राप्त हो जाता। यहाँ तक कि पुराणों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि भगवान उन लोगों को दर्शन देते हैं और जब ये कहते हैं कि हमको प्रिया जी की सेवा चाहिए तो भगवान मौन हो जाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा लोग हजारों वर्ष तक साधना करते हैं और श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, तो कहते हैं कि हमको राधा रानी की चरण की सेवा चाहिए तो कृष्ण मौन हो जाते हैं। हमको भी सेवा प्राप्त नहीं होता है, हम भी तो हों, श्री कृष्ण भी तो चाहते हैं प्रिया जी की सेवा मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी वह सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ये महात्मा लोग कहते हैं कि हमको राधा पद दास रस की कामना है, हमको प्रिया जी की सेवा मिले, उनके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। तो श्याम सुंदर रो रो करके कहते हैं कि यदि तुम लोग वास्तव में प्रिया जी का सुख चाहते हो तो किशोरी जी की आराधना, राधा रानी की आराधना करो, ललिता जी की आराधना करो, सखी मंजरियों की आराधना। हम भी तो निकुंज के दरवाजा पर बैठ करके घंटों घंटों मंजरियों की ध्यान करता हूँ,
तुलसी मंजरी इत्यादि ललता जी सखियों की आराधना करता हूँ कि वे लोग कुंज की दरवाजा खोले, मैं प्रिया जी की सेवा प्राप्त कर सकूं। तो ये हमारे बस, कृष्ण के बस की बात नहीं, प्रिया जी की सेवा। तो ये महात्मा लोग, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि राधा मंत्र का जप करते हैं, राधा रानी का, और राधा रानी का आराधना करके उनको प्राप्त करते हैं। वही हे श्री राधे नवकुंज नागरी हाय, तुम मेरी कृपा, मुझ पर कृपा दृष्टि का निक्षेप कब करोगे। तत्कैंकर्य मनुक्षणात् अद्भुत रसम प्राप्तुम धृतासे मई, श्री राधे नवकुंज नागरी कृपा दृष्टि कदा दासे से। यही रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि त्वंचित कृपा मई विधा सती नई होती में, यदि सचमुच तुम हम पर कृपा नहीं करेगी तो मैं सत्य कहता हूँ कि मैं प्राण ही अब मैं जीवन धारण करके कुछ करूंगा, अर्थात मैं अपना जीवन धारण नहीं करना चाहता। हमको इस ब्रजवास से भी कोई मतलब नहीं है, किम ब्रजेन, हम ब्रजवास इसी आशा से कर रहे हूँ कि हमें प्रिया जी की सेवा मिले, सुख मिले। बस तुलसी मंजरी कह रहे कि हमारा ब्रजवास राधा कुंड वास का एक ही लक्ष्य है, किशोरी जी की सेवा प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई राधा रानी का भजन करता है तो राधा रानी से पहले श्री कृष्ण का दर्शन, और श्री कृष्ण भी मौन हो जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो कहते हैं कि किम, यदि वे भी नहीं तो चब बरोग बकार इना पे, उन कृष्ण से भी हमको कुछ मतलब नहीं, हमें कृष्ण से राधा पद दास है। मैं अनुक्षण सदा निरंतर अद्भुत रस युक्त तुम्हारे कैंकर दास प्राप्त करने की अभिलाषा से ब्रज का वास कर रहा हूं। ये अद्भुत रस क्या है, प्रिया जी की ये दासता मंजरी भाव, जिस भाव को गौर ने इस जगत में आकर ये महाप्रभु का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज तक महाप्रभु के पहले ये सब कोई नहीं जानता कि राधा रानी की भी सेवा करना चाहिए, ये अद्भुत रस है। ये श्री कृष्ण अपनी हृदय की हार्द वस्तु ही इस जगत में करुणा करके दिए, तुम लोग ये भी आराधना करो, ये प्रिया जी का एक प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे पाऊं, इसीलिए कहते हैं अपना अयोग्य देखी मने पाऊ छोभ, तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोग। हम साधन बल से तो उस रस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई साधना करके सोचे कि मैं उस रस को प्राप्त करूं तो असंभव वस्तु। बहुत लोग साधना करते हैं, साधना से तो भगवान में दर्शन नहीं देते, इस भगवान साधन साध्य तो है नहीं, असाधन का कोई बल रखे कि मैं साधन से प्राप्त कर लूं तो असंभव चीज है। केवल एक ही आशा है कि हम में तो कोई योग्यता नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने की, लेकिन एक चीज से मुझे लोभ होता है, तुम करुणा मरी हो, करुणा सागर, तुम तो तत्काल बध कर देने जो कि पापी पर भी कृपा करती है। साता पराधार ये बधारी वत्सला, प्रिया जी की महिमा लिखा गया है कि वो प्रिया जी कौन है, तो तुरंत बद्ध कर देने जो कि प्राणी पर भी अपार करुणा बरसाती है। अब देखती है कि अब इसको तो कोई सहारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, तो किसारी जी वैसे लोगों पर कृपा कर देती हैं। बस तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोग, प्रिया जी आपका जो गुण है, आपकी जो, उसी से हमको लोभ है कि मैं इस ब्रजवास में बैठ करके जरूर कृपा करें, इसी आशा से मैं बैठी, स्वप्न में स्फुरण में स्मरण में आपका साक्षात तो दर्शन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी स्वप्न में आप हमें दर्शन दे देती हैं, कभी तंद्रा में आप दर्शन आकर के दे देती है, कभी हम लीला स्मरण करते हैं तो उसमें आप दर्शन दे, इसीलिए हमको आशा बना हुआ है कि जब हमारे स्वप्न में आप आ जाती हैं, स्फुरण में आ जाती हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्त सुस्फुरित में राधा तदार्थ, तो हमें बिल्कुल आशा है कि हे प्रिया जो आप अवश्य करुणा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। इसीलिए आशा भरे रमृत सिंधु रूपई कथन, इसीलिए मैं आशा से
इस ब्रजवास को कर रहे हैं, ब्रजवास में रह रहे हैं, कि हमको पूर्ण विश्वास है कि आप हमें त्यागेंगे नहीं, अवश्य अपनाएंगे, करुणामयी की करुणा जरूर बरसेगी। यही विरह अदर्शन रूपी आघात ये साधकों की क्या पिटाई है, कुटाई पिटाई, प्रिया जी का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भयंकर यदि विरह हो रहा है तो हे स्वामी करुणामयी बड़ी वेदना है, अब नहीं सह पाऊंगी, अब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लगता है कि अब मैं साक्षात दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी, शरीर शेष हो गया है, अब इस शरीर से उठा नहीं जाता है, बिल्कुल वृद्ध हो गई, आंख से दिखता नहीं, शरीर किसी काम का नहीं, जठराग्नि नाशे, जठराग्नि भी काम नहीं कर रही है, अब आंख से देखता नहीं, बोलने की भी अब क्षमता नहीं, इतने दुख के बाद भी यदि कृपा न करो तो प्राणों की, ब्रज की, कृष्ण की हमें कोई आवश्यकता नहीं। मानो इस प्रकार भयानक कष्ट तुलसी मंजरी विलाप कर रही है तो प्रिया जी हाथ पकड़ लिया, स्वामी कृपामयी इस दुखनी दासी पर कृपा करो, तुम्हारे बिना अब हमारा कोई गति नहीं है, हे लीलामयी निरंतर मधुराति मधुर लीला रस में जो मत रहती है, प्रिया जी को कोई हमेशा लीला में लीलायमान है, एक क्षण सखी सहचरियां प्रिया जी की केवल उस लीला के नई नई लीला का आस्वादन कराती रहती है। तो आचार्य चरण कहते हैं कि बस अब तुम्हारे आगे दुख की बात कहना ठीक नहीं है, प्रिया जी अब आप करुणा कर लो, मैं निरुपाय होकर के तुम्हारे चरण की आशा पर बैठी हूँ, तुम कृपा करो, मैं अन्य की कृपा का इच्छुक बिल्कुल नहीं, हम कभी नहीं चाहते कि कोई देवी देवता या श्री कृष्ण कोई आकर हम पर कृपा करे, हम केवल आपकी आशा से ही बैठे हैं, हमको धर्म काम अर्थ तीनों लोगों की संपत्ति कहाँ तक का है, मुक्ति पद की भी इच्छा नहीं है, सिर्फ त्याग ही नहीं उस सुख का स्मरण भी नहीं करना चाहते हमको ये सब मिले। अरे त्रैलोक की संपदा सामने आने पर भी लौर निमिष के लिए भी हमारे मन को उधर खींचे गए, देखिए कितनी भारी निष्ठा, हम लोगों को तो थोड़ा थोड़ा प्रलोभन मिल जाए भले छोड़ देते हैं उसी में मत हो जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि तीनों लोगों की संपत्ति हमें मिल जाए, यहां तक कहते हैं कि बड़े बड़े दिव्य देवताओं का भोग मिल जाए, भगवत पार्षद प्राप्त हो जाए, मुक्ति मिल जाए, फिर भी एक निमिष के लिए हमारा मन उधर नहीं जाए। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में भक्तों का लक्षण जब नव जोगेश्वर बतला रहे हैं तो कहते हैं त्रैलोक के विभव हे तवे के कुंठ स्मृति रजतात्म सुरार्ध वीर विज्ञात। भक्त कौन है तो भक्त का लक्षण बताते हैं, ये है ये है, अंत में कहते हैं कि भक्त उसी को कहते हैं कि तीनों लोकों की वैभव उसके चरण में आ जाए और उसका एक क्षण के लिए भगवान से दूर न उधर दृष्टि भी न दे तो वही सब वैष्णव आग्रह, वही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। देखो भाई ये सब वेद पुराण शास्त्र ये नहीं कि कोई कहे अरे महात्माओं के लिए दूसरों के लिए लिखा गया, ये पढ़ते समय यही सोचना केवल मेरे लिए लिखा गया, ये शास्त्र दूसरों के लिए नहीं लिखा गया, जो पढ़ रहा है उसके लिए लिखा गया, वो कहेगा हम तो कलयुगी प्राणी है, अरे तुम्हारे लिए लिखा गया दूसरे किसी के लिए नहीं, अरे हम थोड़े रूप सनातन हो सकते हैं ऐसा कोई कहे, अरे क्यों नहीं हो, रूप सनातन क्या हो, रूप सनातन तो नित्य सिद्ध परिकर है, तुम्हारे लिए तपस्या तो करना है, इतना जो कृच्छ साधना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी उनको तो स्वयं प्राप्त है, वो तो लीला परिकर है,
वो अवतार लेकर के केवल हम लोगों साधकों के लिए बता रहे हैं कि देखो ऐसे प्रिया जी की साधना मिलती है, ऐसे प्रिया जी मिलती है, ऐसी स्थिति है। न चलति भगवत पदा रविंद्र लव निमिषार्थम अपि स वैष्णव आग्रह। कौन वैष्णव है तो कहते हैं कि न चलति भगवत पदा रविंद्र लव निमिषार्थम अपि, इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी एक लव अर्ध भी, एक लव का आधा उतना भी मन उधर नहीं जाता, वही वैष्णवाग्रह। ये तो बात है, देखो मंजरी भाव से बहुत ऊंची है। ये तो कहते हैं तीनों लोकों की संपत्ति वैकुंठ का साम्राज्य यदि प्राप्त हो जाए तो भक्त उस पर एक निमिष के लिए भी ध्यान नहीं देता, और दम होती। राधा पददास में लिखा गया अरे साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण भी आ जाए तो वहां भी एक निमिष के लिए मन नहीं जाता। मंजरियों का मन देखिए, ये श्री कृष्ण कौन है, सानंद घना घनीभूत आनंद की मूर्ति है। संसार में कौन व्यक्ति है जो श्री कृष्ण को नहीं चाहेगा, वो तो सबके प्राण है, आत्मा है, सबके हृदय में रहते हैं। और वही नंद नंदन श्री कृष्ण मंजरियों के पास आ जाते हैं, एक क्षण के लिए उधर देखती नहीं, ना ना हमको कोई मतलब, ये मंजरी का कितना उत्कृष्ट साधना है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा गया है त्रैलोक विभव हेतवे पे कंठ स्मृति निजतात्म सुराल दिव्य में दिया है सर, और न चलति भगवत पादा रविंद्र लव निमिषार्थम अपि स वैष्णवाग्रह। यहाँ तो लिखा गया है कि साक्षात नव ब्रजराज कुमार नव आनंद घन श्री विग्रह, वह भी मंजरियों के पास आते हैं और मंजरियों से याचना करते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनकी उनकी देखती भी नहीं। ये है मंजरी में कितना उत्कृष्ट साधना है, अर्थात नंद नंदन के रूप गुण लीला आदि के माधुर्य से आकृष्ट चित्त भक्त तो भगवान के उस नर नारायण नारायण की तरफ दृष्टिपात तक नहीं करता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं तथा एकांतिका श्रेष्ठ गोविंद हृदमान जैसा श्रीसह प्रसादो भी मनोहर तुम न सकू, किंतु जिन लोगों का मन राधा दास में प्रलुब्ध है वे राधा के बिना अकेले गोविंद की भी कामना नहीं करते। श्री राधा भजन जदि रति नहीं भेला श्री कृष्ण भजन तार पकार बेकार। राधा रानी के चरण कमल में प्रीति नहीं हुआ, देखिए ये साधना ये प्रवचन कहीं नहीं होता, मथुरा में नहीं होता है, न द्वारका में होता है, न अयोध्या में होता है, न जगन्नाथपुर में होता है, कहेंगे पागल है क्या, वेद पुराण का भी बात नहीं मानता, ये क्यों नासिक जानी जाते। इस प्रवचन को एक बार एक महात्मा कह रहे थे रामानंद सरस्वती का, एक तो पागल हो गया है, ये कुछ कह रहे किसी काम का है। तो इस रस को केवल संत श्री सुख प्रकट कियो नहीं जाते जानिसार को सार। सुखदेव जी ने राधा तत्व को श्रीमद् भागवत में इसीलिए वर्णन नहीं किया कि सार वस्तु, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते जानिसार को सार। अब वृंदावन के रसिक लोग कहते हैं कि व्यास दास अब प्रकट बखानत जारी भार विभाग, और ए भार को भी भार भार जानते हैं आप लोग नहीं जानते ना, भार होता है जिसमें चना इत्यादि भूजा जाता है उसको भार कहते, आग जला करके बालू डालकर उसमें चना इत्यादि भूजते हैं उसको भार कहते। तो भार में भार उस चूल्हे में भार को डाल दिया, कृष्ण के जो वर्णन इत्यादि है उस भार को भार में डालकर राधा पददास की वर्णन कर रहे हैं। ये व्यास दास अब प्रकट बखानत पर
परम धन राधा नाम यधार, परम धन राधा नाम यधार, जाहि श्याम मुरली मेटेरत, सुमिरत बारंबार। श्रीमद् भागवत में तो लिखा गया है कृष्ण आराधना करो कृष्ण, और यहाँ तो चौबीसों घंटा प्यारे श्याम सुंदर मुरली में राधा नाम का कीर्तन करते। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। तो ये आराधना अति गोप्य है, बहुत गोपनीय है। गोपनीयम 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 प्रिय कीर्तन। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस आराधना को हमेशा छिपा कर रखो, हमेशा छिपा कर रखो, हमेशा छिपा। ये प्रकट करने की वस्तु नहीं, और उस प्रकट करने वाली जो वस्तु नहीं है उसको रसिक लोग ब्रज के रसिक कहते हैं कि अब ब्रज में छिपा कर क्या करना है। अरे छिपाना है तो मथुरा में छिपा, कुब्जा चिढ़ जाएगी, राधा रानी की महिमा सुनकर कुब्जा चिढ़ जाएगी, कौन आ गए। द्वारिका में राधा रानी की महिमा गाएंगे तो रुक्मिणी 16108 महिषियां नाक भाव से कोड़ने लगेंगी, अरे ये कहां से आ गए। और ब्रज में छिपा कर क्या करना है। तो इसीलिए रसिक महापुरुष कहते हैं बस भार को भार में डाल करके राधा पर दास की महिमा। यही रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, बस अब हमको कोई मतलब नहीं, ना हमारे प्राण से, ना ब्रजवास से, ना नंद नंदन श्री कृष्ण से, हमको केवल प्रिया जी चाहिए, ये आराधना है। तत्रापि एकांतिकानां, तत्रापि कांतिक एकांतिनां श्रेष्ठां गोविंदा हितमानस जेषां श्रीशः प्रसादोऽपि मनोहर्तुं न शक्नुमः। श्रीपाद ने कहा है मुझे बकारी से कोई मतलब नहीं, आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारी कृपा नहीं मिलती है, श्रीपाद राधा के बिना गोविंद को स्वयं नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं उनका संग भी त्याग देते हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण का भजन करना चाहता है उनका संग करना नहीं चाहता, हमको नहीं चाहिए उसका संग। ये देखिए कृष्ण की आराधना की तो बात ही छोड़ो, जो कृष्ण की आराधना भी करता है उसका हम संग नहीं करें, क्योंकि विजातीय तत्व तो हो। अब देखिए जसोदा के लिए, गोपियों के लिए विजातीय तत्व तो कौन है, जसोदा जी। जो राधा पददास की आराधना करना चाहता है तो उसको जसोदा जी का संग नहीं करता, क्योंकि वो तो वात्सल्य में रस में है, तो वात्सल्य रस मधुर रस का विरोधी है। जो मधुर रस में रहना चाहता है